पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक ईर्ष्या, शाही रहस्य, धोखे और खतरनाक रेगिस्तान के बीच ट्रक भरकर सोना ले जाया जा रहा है। एक काबिल अफसर पर इसकी जिम्मेदारी है और चार लोगों का यह मिशन इस ट्रक को रोकना है। क्या यह मिशन दमदार है, आइए जानते हैं। बादशाहों की कहानी उस समय की है जब आपातकाल लगा था। रानी गीतांजलि का एक शक्तिशाली नेता से विवाद हो जाता है। अपने पावर का उपयोग करते हुए वह गीतांजलि का करोड़ों रुपए का सोना जब्त कर लेता है। गीतांजलि को जेल में डालकर सोने को ट्रक के जरिए दिल्ली ले जाने का फैसला लिया जाता है। यह जिम्मेदारी मेजर सेहर सिंह को सौंपी जाती है, जो बेहद काबिल अफसर है। भवानी सिंह गीतांजलि का वफादार है। गीतांजलि को यकीन है कि वह उसका सोना बचा लेगा। भवानी सिंह एक टीम बनाता है जिसमें दलिया, टिकला और संजना शामिल है। ये सब मिलकर उस ट्रक को लूटने के मिशन पर हैं। फिल्म को रजत अरोरा ने लिखा है, जो मसाला फिल्म लिखने के लिए जाने जाते हैं। बादशाहों की कहानी पढ़ने में उम्दा लगती है, लेकिन जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम होता है वो बेहद निराशाजनक है। स्क्रीन प्ले इस तरह लिखा गया है कि लूट का यह खेल विश्वसनीय नहीं बन पाया है। फिल्म के शुरुआती 40 मिनट बेहद उबाऊ हैं। लेखक और निर्देशक को समझ ही नहीं आया कि ट्रक लूटने वाला प्रसंग शुरू होने के पहले दर्शकों को कैसे बांधा जाए। फटाफट दो गाने दिखाकर खाना पूर्ति की गई। भवानी सिंह और गीतांजलि के बीच मोहब्बत होने वाली बात अत्यंत ही सतही है। इस मोहब्बत की सिचुएशन ही ठीक से नहीं बनाई गई। भवानी और दलिया को जब पता चलता है कि ट्रक से सोना ले जाने की जिम्मेदारी सेहर को सौंपी गई है, तब उसके बारे में जानकारी लेने के लिए दलिया उसका बटुआ चुरा लेता है। सेहर उसके पीछे भागता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। इस चक्कर में सेहर की मुलाकात भवानी से हो जाती है। यह प्रसंग बेहद कमजोर और तर्कहीन है। जिसकी नाक के नीचे से सोना चुराना है, उसके सामने जाना ही क्यों। दलिया और भवानी को तो अपनी पहचान छिपा कर रखनी चाहिए थी। इन मोटी बातों के अलावा और भी ऐसी कई बातें हैं जो तर्क से परे हैं, जैसे पुलिस थाने से इन चारों का बहुत आसानी से भाग निकलना। थाने के सारे सिपाही सो रहे हैं और ये ताला तोड़ लेते हैं। इसी तरह से बहुत आसानी से ये चारों ट्रक पर कब्जा कर लेते हैं। कोई अड़चन या परेशानी नहीं है इसमें, बिल्कुल भी रोमांच नहीं है, जबकि यह फिल्म का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा होना था। ट्रक पर कब्जा करने के बाद भवानी और दलिया क्यों सेहर को जिंदा छोड़ देते हैं, ये जानते हुए भी कि वह बहुत खतरनाक है। इसके बाद चोर पुलिस का खेल शुरू होता है, जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। सार यह है कि रजत अरोरा के लिखे स्क्रीन प्ले में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। रजत के लिखे संवाद तालियां बटोरने वाले होते हैं, लेकिन बादशाहों में शायद ही ऐसा कोई संवाद सुनने को मिला हो। फिल्म में भवानी गीतांजलि तथा दलिया संजना के रोमांस को जोर जबरदस्ती के साथ फिट करने की कोशिश की गई है। कॉमेडी के नाम पर संजय मिश्रा जरूर कुछ जगह हंसाते हैं। एक्शन दृश्यों में थ्रिल नदारद है। फिल्म का अंत खुला रखा है, शायद दूसरे भाग की गुंजाइश रखी गई है। निर्देशक मिलन लथुरिया की सबसे बड़ी गलती तो यह है कि उन्होंने अधपकी स्क्रिप्ट पर फिल्म बना दी। फिल्म में वे थ्रिल पैदा नहीं कर पाए। बजाय एक्शन के उन्होंने रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की है। इंटरवल पॉइंट पर उन्होंने दर्शकों को चौंकाया है, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। गीतांजलि के किरदार को लेकर जो ट्विस्ट पेश किया है वो भी प्रभावित नहीं करता। फिल्म का संगीत ठीक है, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ऐसी नहीं है कि मुंह से वाह निकले। अजय देवगन और इमरान हाशमी ने अपने अभिनय के बूते पर फिल्म को उठाए रखा है, और इन दोनों की एक्टिंग के कारण ही फिल्म देखने में थोड़ा मन लगा रहता है। अजय को उनकी छवि के अनुरूप रोल दिया गया है। हालांकि अजय को हीरोगिरी दिखाने का और मौका दिया जाना था। दिल फेक दलिया के रूप में इमरान ने अजय का अच्छा साथ निभाया है। रानी का किरदार इलियाना ने ऐसे निभाया मानो उन पर भारी भरकम वजन रख दिया हो। ईशा गुप्ता के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आते। हर दृश्य में वे ऐसे लगी मानो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। संजय मिश्रा मजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने थोड़ी राहत दी है। विद्युत जामवाल की खासियत उनके स्टंट्स हैं, लेकिन उनके इस गुण का ज्यादा उपयोग नहीं किया गया है। कुल मिलाकर बादशाहों में वो बात नजर नहीं आती जिसका ट्रेलर में वादा किया गया था। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।